अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये सुबह सुबह का वक्त है, साढ़े छः नहीं सिक्स AM। सुबह सुबह मैं उठी, बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब 6 बजे भी रोशनी हो रही है। पहले तो आप लोगों को पता ना, विंटर में कितनी देर से रोशनी होती थी, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक। खैर, दिन बड़े हो गए हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि दिन बड़े हो गए, रोशनी ज़्यादा देर तक रहती है, और अच्छा थोड़ा सनी सनी भी चल रहा है वेदर। वरना लास्ट ईयर फरवरी में, अगर लंदन में रहने वालों को तो याद होगा कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों की स्कूल की भी 2-3 दिन छुट्टी हुई थी फैब में, और बहुत ठंडा वेदर था। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा नहीं है सर्दी, और हर कोई बड़ा इंजॉय कर रहा है। कुछ लोगों ने तो जैकेट्स पहनना भी छोड़ दिए हैं। भाई, मैं स्कूल जाती हूँ बेटे को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, तो वहाँ कुछ माएँ जो हैं आती हैं बग़ैर उसके ही ना, हल्की सी हुडी पहनी होती है ऊपर, और वो 3-3:15 बजे का टाइम होता है, तो वो सब ऐसे आ रही होती हैं फुल टिप टॉप, पूरा फैशन करके कि अपनी जो जितनी चीज़ें रखी होती हैं घर में सब पहन पुन के आ जाती हैं। खैर, वो भी देखने वाला एक सीन होता है, आप लोगों को पता है ना। सब एक लगता है मुझे जैसे कंपटीशन चल रहा है, सबने ना कंपटीशन एक दूसरे के साथ लगाया हुआ है कि हाँ भाई, कौन कौन कितना अपने आप को बना सवार के आ सकता है। खैर, मैं तो ना जस्ट लिसन, और मेरी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए, दीन इस्लाम पे चलाए, और जितने लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, किसी भी वजह से परेशान हैं, अल्लाह उन सब की मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियाँ ख़त्म करे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। रोज़ी अल्लाह आप सब के घरों में बहुत सारी बरकतें दे, बख्शिशें दे, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। मेरी दिल से दुआ है आप सब के लिए। ये मैं पार्क से गुजर रही थी परसों ना, द डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज रियली वेरी सनी, और मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी ये वीडियो बनाती हूँ। बस 2 दिन मुझे, मैं इतना बिज़ी रही कि मुझे कुछ अपलोड करने का टाइम भी नहीं मिला, और इसके अलावा फिर थोड़ा सा मैं लेसी भी थी। वेदर आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ, वो बारिश बारिश हो रही थी, तो मेरा दिल भी नहीं चाहा कुछ भी करने को। खैर, तो आप लोग सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, और क्या हो रहा है, जुम्मे के दिन कैसा गुजर रहा है आप लोगों का। बाकी
उसके बाद फिर मैंने ये बनाया चिकन कबाब हांडी, इसमें ये डालना है। मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया अबाउट 3 टेबल स्पून एंड मेंट 1 टेबल स्पून। फिर मैंने लहसुन अदरक डाला, मैंने तो साबुत ही डाल लिया था क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था फ्रेश, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक। और इसके अलावा फिर इसमें गरम मसाला डालना है अबाउट 1 टीस्पून, ग्रीन चिली डालें 3 ग्रीन चिली, 1 फ्री रेंज एग डालें, 1 टीस्पून रेड चिली, कुटी हुई मिर्ची डाली मैंने इसके अंदर, 1 मीडियम ऑनियन डाल रही हूँ, और इसके अलावा सॉल्ट आप हस्बे जायका जो आपको जितना आपको सॉल्ट पसंद है उस हिसाब से, एंड वेरी लिटल यू नो द क्यूमिन सीड्स डाल लें, लाइक ज़ीरा या ज़ीरे का पाउडर अगर आपके पास है तो। फिर उसको अच्छी तरह ये मैंने इसको इसमें किया, मेरे पास ये है फूड प्रोसेसर, बिल्कुल मैंने इसको ना पीस लिया था बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पीस के, देन फिर मैंने जो है क्या नाम लेते हैं ये, मैं इसमें ये डाल रही हूँ हल्दी। आप देख सकते हैं कि ये पिस गया है और कितना ज़्यादा कितना अच्छा इस ये पिसा है। अब इसे निकाल लें किसी प्लास्टिक के या किसी भी डब्बे में, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, निकाल के फिर इसके कबाब बनाएंगे। चाहे तो प्लेट में अलग से बना लें, हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लें ज़्यादा ना, ताकि कबाब हाथों को ना चिपकें। कबाब बना के प्लेट में रखें, देन शैलो फ्राई करें। शैलो फ्राई कीमा आधा किलो था, आई थिंक मैं बताना भूल गई, मेरा तो ये आधा के 1 kg था। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ लिख दूँगी, पूरी रेसिपी लिख दूँगी जो इसके थे, जो जो कबाब के लिए किया, जो ग्रेवी के लिए जो जो कुछ डाला। और इसके अलावा फिर इसको कबाब इस तरह बना के उसको अच्छे तरीके से शैलो फ्राई कर लें, और शैलो फ्राई ज़्यादा मतलब लाइक आप करें थोड़ा सा ना क्या कहते हैं ज़्यादा थोड़ा सा गोल्डन टाइप का, तो उससे आप देखिएगा उसका टेस्ट भी कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये मैंने प्याज, ये मैंने 2 मीडियम अनियंस को बिल्कुल एकदम से पीस लिया है, और फिर वैसे चॉप भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे मुनासिब लगा तो मैंने ये ऐसे कर लिया, पीस लिया बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है हम लोग टमाटर को भी आप इसी तरह से पीस लेंगे। टमाटर अबाउट 2 मीडियम टमाटोज थे, उनको भी इसी तरह से मैंने पीसा, और उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक मिर्ची हल्दी और हल्का सा मैंने उसमें 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर भी डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला, चिकन पाउडर डाला, 1 ज़ीरा 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी थोड़ी सी, और रेड चिली जो थी वो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाली ग्रेवी में, और इसमें कबाब डाल के मैंने अच्छे तरीके से फिर इसको जो है मैंने फ्राई किया, वो भुना थोड़ा पानी डाल के, और उसके बाद मैंने इसे पकने दिया 10 मिनट, क्योंकि कबाब चिकन था और कबाब पहले ही फ्राई हो चुके थे, मसाला भी पहले काफ़ी भुन चुका था। और इसके बाद फिर इस तरह से इसमें मैंने 2 ग्रीन चिली साबुत मैंने इसलिए डाल दी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल दें, मैं बच्चों की वजह से कम डालती हूँ चिली, और हल्का सा फिर मैंने ऊपर उसके वो कड़ी पत्ता कसूरी मेथी डाली, एंड देन उसके बाद फिर धनिया, और फिर ये रेडी हो गया जल्दी। खैर आधे घंटे में बनने वाली डिश है, मुझे आज पता नहीं क्या रिकॉर्ड करते वॉइस ओवर करते वक्त मुझे बड़ा
मसला हो रहा है, ये वीडियो मैंने बना के काफ़ी दिन से रखी हुई, बट मैं काफ़ी दिन नहीं, लाइक मैंने ये बनाई हुई थी कल बनाई है परसों, और बस मैं डाल नहीं सकी और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो गई। और अभी मैंने वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। खैर फिर ये तैयार हो गया, और क्या नाम लेते हैं, ये चिकन कबाब हांडी ये तैयार हो गई। मैं सही से, एक तो मैंने वो स्टैंड मंगवाया था, मेरा स्टैंड भी आया, वो मुझे सही तरह से उस पर भी समझ नहीं आया कि किस तरह किस तरफ रखूँ, गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बड़ा मसला है। Mama. As opposed to just a T20 hitter.